और इधर ग्वालियर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का प्रारूप विदेश से ले आए हैं और ऐसे में हम कहां से विश्व गुरु बन गए। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण राजनीतिक कारणों से हो रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा और कहा कि चमत्कार से काम नहीं चलता है, चमत्कार से अगर रोग दूर हो जाते तो 100 करोड़ के अस्पताल क्यों बनाए जा रहे हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता के बारे में हमारे संविधान में ही अभी कथन किया गया है। 75 वर्ष बीत गए, समान नागरिक संहिता बनाने के नाम पर हम हिंदुओं के धर्मशास्त्रों की बहुत सारी बातों को हटा करके उनके स्थान पर कानून बना दिया है। अब लोगों के मन में ये भावना हो रही है कि भाई हम भी तो धर्म के अनुसार रह सकते हैं, हमारा भी तो पर्सनल लॉ है, हमारे भी तो धर्मशास्त्र हैं, हमको हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार आप नहीं रहने दे रहे हो और कुछ लोगों को रहने दे रहे हो, तो अब ये बात बलवती हो रही है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि या तो हमको भी अपने धर्मशास्त्र के अनुसार पर्सनल लॉ के अनुसार रहने दो और या तो करना है तो सबके लिए करो।